हम जो भारतीय जनता पार्टी के तो नेता बोलते हैं हमने बहुत पैसा दे दिया, 680 करोड़ रुपया क्या बहुत ज्यादा हो जाता है। एक उन्होंने कहा जी हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना में 2000 करोड़ रुपया दे दिया। तो आप मेरी बात बताइए, प्रधानमंत्री सड़क योजना वो योजना के तहत पैसा आया, ना कि कोई आपदा के तहत पैसा आया। भारतीय जनता पार्टी के तो नेता बोलते हैं हमने बहुत पैसा दे दिया, 680 करोड़ रुपया क्या बहुत ज्यादा हो जाता है। एक उन्होंने कहा जी हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना में 2000 करोड़ रुपया दे दिया। तो आप मेरी बात बताइए, प्रधानमंत्री सड़क योजना वो योजना के तहत पैसा आया, ना कि कोई आपदा के तहत पैसा आया। इसी प्रकार से जो एक उन्होंने कहा जी हमने 21,000 घर दे दिए, मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से बिंदल जी से और इनके नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कि वो कौन से घर दिए जो मोदी जी ने जब वो प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने सदन के अंदर कहा था लोकसभा में कि मैं पूरे हिंदुस्तान में 2022 तक एक भी घर कच्चा नहीं रहने दूंगा। वो वाले घर दिए कि आपदा के घर दिए? अगर आपदा में घर आपने दिए होते तो आप माननीय ठाकुर सुंदर सिंह सुक्खू से सीख लेते, उनका अनुसरण करते। उन्होंने आपदा के समय जो लोगों के घर गिरे उनको 7 लाख रुपया भवन निर्माण के लिए दिया है। आप 1.5 लाख रुपया एक व्यक्ति को देकर बहुत वाहवाही लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है उन आपदा प्रभावित लोगों के साथ? छोटा प्रदेश है, पहाड़ी राज्य है और अधिकांश जो हमारी योजनाएं हैं सारी केंद्र सरकार से चलती हैं 90-10 के अनुपात में, तो उनको चाहिए था। उन्होंने जो लोन लेने की हमारी एक सैंक्शन अमाउंट जो हमें मिलता था 14,000 करोड़ रुपया, उसमें कट लगा दिया। आप 6600 करोड़ से ज़्यादा लोन नहीं ले सकते वर्ष भर में, जबकि सबको पता है कि हमारा अपना रेवेन्यू जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है प्रदेश सरकार का, और लोन के ऊपर सारी सरकारें चलती आ रही है। पहले जयराम जी ने भी लोन लिया है, डबल इंजन की सरकार कहते थे ये, इन्होंने क्यों लोन लिया फिर? अगर इनकी डबल इंजन की सरकार थी तो इनको तो चाहिए था कि वो लोन को माफ करवाते केंद्र सरकार से और आर्थिक पैकेज लेकर आते, तब कुछ नहीं किया। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी बात है जो ये बातें कर रहे हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो अखबारों में रहने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए माहिर है। राजीव बिंदल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो क्या कहते हैं उसमें तो मुझे ज़्यादा वो नहीं कहना है, लेकिन फिर भी जो वो मंत्रियों को और विधायकों की तालमेल की बात कर रहे हैं वो सरासर गलत है। कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब सरकार बनी तो उसके बाद जैसे हमारे प्रदेश में आपदा आई, आपदा की वजह से जो एक सारा जो हमारी व्यवस्था थी वो तहस नहस हुई, आपने भी देखा है, बहुत करीब से देखा सभी ने। मतलब 3-4 महीने तो उसमें व्यतीत हो गए। सरकार ने जो काम करने थे, विकास के काम करने थे, उसमें निश्चित रूप से थोड़ी ब्रेक लगी, लेकिन अब सारा व्यवस्थित तरीके से चलना शुरू हो गया है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का तो काम यही है कि बिंदल जी को तो चाहिए था कि जिस समय हमारे प्रदेश में आपदा आई थी वो आगे बढ़कर लोगों की सेवा करते और दिल्ली में जाकर जगत प्रकाश नड्डा जी से मिलते, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलते। जब हमने मांग रखी थी कि हमें आर्थिक सहायता दी जाए, राष्ट्रीय आपदा इसको घोषित किया जाए, यदि राष्ट्रीय आपदा आप घोषित नहीं कर सकते, लेकिन राष्ट्रीय पैकेज तो, आर्थिक पैकेज तो दे सकते थे, जो उन्होंने नहीं दिया। जब सदन में चर्चा हुई मानसून सत्र में, 3 दिन तक चर्चा होती रही, माननीय मुख्यमंत्री संकल्प लाए, विपक्ष के नेता संकल्प लाए और उसको हमने क्लब करके जो है 3 दिन तक चर्चा की सदन में। उस समय ये लोग कहाँ थे जब हमने इनसे मांग रखी माननीय मुख्यमंत्री ने और सभी सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने और विधायकों ने, जो चर्चा में जो मांग उठी, विपक्ष की ओर से भी मांग उठी कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, इसकी भरपाई होनी चाहिए, 50 साल पीछे चला गया प्रदेश, 10 साल पीछे चला गया, ये उन्हीं के शब्द थे, सदन के अंदर रिकॉर्ड है। तो जब हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अंत में जब उत्तर देना था और समर्थन मांगा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से और विपक्ष के नेता से, तो वो मूक दर्शक होकर बैठ गए, चुपचाप बैठ गए, उन्होंने कोई समर्थन नहीं किया। यदि उनको प्रदेश की जनता के विकास की इतनी चिंता होती, उनके जानमाल की इतनी चिंता होती, तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के पास जाते, वहाँ पर वो पैसा लेकर आते प्रदेश के लिए।
इस तरह की बेबुनियादी बातें करने से जनता सब समझती है कहां पर क्या कमी रही है।